मैं आप सबको पिछले क्लास में बताया था कि सिद्ध करें कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, रूट थ्री, रूट फाइव और रूट सेवन, ये सब मैं आप सबको उस क्लास में पिछले क्लास में मैं बता दिया था। और जो भी उस क्लास मिक्स किए हैं और उस वीडियो को नहीं देखे और देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाइए और उस लिंक पर क्लिक कीजिए और वो वीडियो आराम से देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपरिमेय ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखना है कि सिद्ध करें कि सेवन रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। जो टेंथ क्लास के बच्चे होंगे वो एकदम ध्यान से देखिए, क्योंकि 2022 के एग्जाम में जरूर ये सवाल आएगा दोस्तों, तो मिस नहीं कीजिए। चलिए देखिए, हम देखते हैं किस तरह से इसको मैं साधारण तरीके से आपको बताऊंगा, जिस तरह सिंपल तरीके से बताऊंगा वो आप आसानी से इसे समझ सकते हैं और बना भी लीजिएगा समझने के साथ साथ। चलिए देखिए हम लोग इसको देखते हैं क्या करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग बताया था कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो उसी का परिभाषा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या करना है। माना कि सेवन रूट टू एक, ये अगर परिमेय कहेगा दोस्तों, यहाँ पर अपरिमेय कह रहा है तो हमको मानना क्या पड़ेगा, परिमेय, परिमेय संख्या है, ठीक है। हम माने क्या चीज है, परिमेय संख्या माने हैं, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है, p बट्टा q के रूप में बराबर हमको क्या चीज है, सेवन रूट टू, ठीक है। फिर हमको लिखना है जहां p और q क्या है, एक पूर्णांक, पूर्णांक है जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है एवं क्यू के बराबर नहीं है जीरो, ठीक है ना दोस्तों। हम लोग यहां तक समझ गए होंगे, जो भी पिछले क्लास देखे होंगे, पिछले वीडियो आप लोग देखे होंगे, तो ये मिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना मैं आप सबको वहां बहुत अच्छा से समझाया था कि किस तरह से इसको लिखना है और हर चीज में लिखना है, क्योंकि अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इतना कि माना कि, जो सिद्ध करना रहेगा उसको, माना कि सेवन रूट टू एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में होता है, तो पी बटा क्यू के रूप में लिख दिए। फिर हमको सिद्ध जो यहाँ पे करना है वो चीज को लिख दिए, जहां पी क्यू एक क्या पूर्णांक है या पी क्यू पूर्णांक है जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है एवं क्यू के बराबर नहीं है जीरो। इतना आप सबको लिखने के बाद में अब यहाँ हमको क्या करना है, पी बटा क्यू परिमेय संख्या, ठीक है ना, सेवन रूट टू। वहां पर हम लोग क्या करते थे कि रूट टू को जब सिद्ध करना था तो हम लोग इतना लिखने के बाद में हम नीचे लिखते थे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ वर्ग नहीं होगा दोस्तों। सबसे पहले देखिए कि हम ए इधर क्या चीज में है, गुना में है, इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, भाग में। तो पी बटा क्यू गुने वन बटा भाग को उल्टी गुना, ठीक है, भाग को उल्टी गुना किया तो एक ऊपर चल जाएगा क्योंकि एक बट्टा में छिपा रहता है, नीचे सेवन आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि पी है और ये क्यू है, एकर बट्टा क्या हो जाएगा, सेवन, तो एकर बट्टा एक छिपल है ना, एक छिपल है तो यानी एक चल जाएगा कहाँ, ऊपर। तो पी बटा क्यू गुने एक बटा सेवन, यही रूप में लिखे है ना, देखिए तो यही रूप में लिखे है ना यहाँ पर ही, ठीक है। फिर बराबर को उसे, क्योंकि गुना की इधर लाए थे ना भाग में, अब बराबर को क्या बच गया हमको, रूट टू, तो रूट टू लिख दिए, ठीक है, रूट हम लोग क्या लिखे, टू वहां पे कर दिए। यहाँ पे इतना कर दिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखिए कि गुना में है, तो अंश वाला के साथ गुना करते हैं और हर वाला को हर वाला के साथ गुना करते हैं, ठीक है, यानी p। तो दोस्तों हम लोग यहाँ अंश के साथ अंश के गुना करते हैं, हर के साथ हर को गुना करते हैं, तो यहाँ पे लिखना हम लोग क्या पड़ेगा, p, अगर p में वन से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, p, और सेवन में q से तो सेवन क्यू, सेवन क्या आ गया, q आ गया, इसको नाइन नहीं समझिएगा दोस्तों,
ठीक है, 7 क्यूब बराबर 64 क्या है, रूट टू। तो यहाँ तक तो हम लोग क्लियर है, क्या है यहाँ तक क्लियर है। अब लिखने पड़ेगा क्या चीज, हम लोग यहाँ पे लिखने पड़ेगा कि जहां ये हो गया, जहां पी बटा 7 क्यूब एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, क्या है? लेकिन रूट टू एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अब लिखेंगे यहां परिमेय के बराबर नहीं है क्या जी, अपरिमेय, ठीक है ना दोस्तों। जैसे हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि 7√2 एक परिमेय संख्या है, यहाँ तक तो क्लियर होगा। फिर इसके बाद परिमेय संख्या माने तो पी बटा के रूप में होता, फिर जो चीज हमको मानना है, जो परिमेय संख्या मान है उसको लिख दे, जहां पी क्यू क्या है, एक पूर्णांक है जिसका कोई वहनीय गुणनखंड नहीं होता है, एवं क्यू के बराबर नहीं है जीरो, पी बटा क्यू परिमेय की संख्या के, हम परिमेय संख्या पर माने तो परिमेय संख्या के रूप में लिख दिए। फिर इसको जब इधर गुणा में है, इधर आ गया तो क्या होगा, भाग में, तो 1/7 गुण कर दिए गुणा करके, बराबर में इधर करते हैं कितना, रूट टू। तो अब देखिए तो पी में एक से गुणा किए तो पी आ गया, और 7 में क्यू से गुणा किए तो, यानी क्यू में 7 से किए या 7 में क्यू से किए, बात बराबर है। तो यहाँ पे 7 क्यूब बराबर रूट टू हो गया, जहाँ 7 क्यूब एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ तक तो क्लियर है। परिमेय के बराबर नहीं है अपरिमेय, ये लिखने पड़ेगा दोस्तों आप लोग, ठीक है ना, परिमेय के बराबर नहीं है अपरिमेय। अब यहाँ पे लिखने के बाद में अब हमारा हो गया, अब सिर्फ हमको सिद्ध करना क्या था, क्या चीज था, ये वाला था ना 7√2। तो यहाँ पे ये लिखिए 7√2 एक, तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ तक समझ गए। इसके बाद में परिमेय के बराबर नहीं है अपरिमेय लिख दिए, इसके बाद में हमको जो सिद्ध करना था 7√2, तो यहाँ 7√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। आपको सिद्ध करना रहेगा, अगर ऐसा प्रश्न है, अगर ऐसा फ्यूचर आप लोग को सिद्ध करने के लिए मिलेगा तो यही वाला लिखने पड़ेगा, परिमेय के बराबर नहीं है अपरिमेय, इसके बाद जो संख्या हमको सिद्ध करना है वो संख्या देखिए आ गई, ठीक है ना दोस्तों। तो हम आशा करते हैं कि इसको भी आप आसानी से समझ गए होंगे, और जो भी मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक वो नोटिफिकेशन चला जाएगा और वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया, और मैं आगे बताता हूँ इसके प्रश्न है, जो एक आप लोग को बनाना होगा दोस्तों, एक आप लोग इसी आधार पर बनाना होगा, यानी अपने भी घर पर अपने भी मन से क्वेश्चन लिख करके बनाइएगा। चलिए देखिए यहाँ पे हम देते हैं आप लोग के, क्या दे 3√2, ठीक है, 5√7, ये 3 प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। ये 3 प्रश्न आप लोग क्या कीजिएगा, घर पे अभ्यास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि आप लोग जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग की मजबूती हो जाएगा, कहीं पे भी आप मिनटों में इसको बना सकते हैं, इसलिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पे बता रहे हैं, आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझ पाए होंगे तो वीडियो के 1 बार 2 बार 3 बार देखिए और उसको समझिए और इसी आधार पर बनाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए दोस्तों ये आप लोग समझ गए होंगे, हो जाए। चलिए दोस्तों अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्या दूसरा प्रश्न है हमारा, सिद्ध करें कि 3+√7 एक अपरिमेय संख्या है। इसको एकदम आप लोग आसानी से समझ जाइएगा दोस्तों, एकदम मिनटों भर में इसको बना लीजिएगा, एकदम कुछ नहीं करना, ये सिंपल है। देखिए आंसर लोग रहा था, सिद्ध तो करना, क्या करना दोस्तों, सिद्ध करना, आंसर आ गया। देखिए माना कि 3+√7 एक परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। ये तो आपको हमेशा लिखने पड़ेगा, ठीक है ना, परिमेय हम माने तो पी बट्टा क्या चीज होता है, पी बट्टा क्यू के रूप में होता है, बराबर 3+
रूट सेवन, ठीक है ना, इतना लिखने पड़ेगा, जहां जहां पी क्यू पूर्णांक पूर्णांक सॉरी पूर्णांक है, जिसका जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है एवं क्यू के बराबर नहीं है जीरो, एवं क्या है क्यू के बराबर नहीं है जीरो। देखिए दोस्तों, अगर मेरा लिखावट नहीं पता चला तो हम बोल रहे हैं उससे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद में हम माने क्या है, परिमेय संख्या क्या होता है, हम बार बार बोल रहे हैं कि परिमेय संख्या होता क्या है, तो पी बटा क्यू के रूप में। अगर जो भी इस वीडियो को देखना चाहता है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा सारा वीडियो का, वहां से आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो हमको मानना है, माने क्या परिमेय, तो परिमेय संख्या क्या होता है, पी बटा क्यू के रूप में। यहाँ क्या है, थ्री प्लस रूट सेवन, ये हो गया। अब दोस्तों हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जरा सा बताइए आप लोग कि आप लोग जब समझ गए हैं तो इसको तो भी आराम से बना सकते हैं दोस्तों, ये प्लस में है तो प्लस में है तो रूट सेवन प्लस के हम इधर ले लाएंगे माइनस में, ठीक है। क्या चीज करेंगे, पी बटा क्यू माइनस थ्री, ये प्लस में है तो इधर आएगा क्या माइनस में, बराबर क्यू सर क्या हो जाएगा रूट सेवन, बराबर क्यू सर क्या हो गया रूट सेवन। यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो किसी की दिक्कत नहीं होना चाहिए, बराबर क्यू सर हो गया, ठीक है। अब हमको लिखना है जहां, क्या चीज करना है, जहां P बट्टा क्यू माइनस थ्री एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, P बट्टा क्यू क्या है एक परिमेय संख्या है, लेकिन लेकिन रूट सेवन एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। यहां तो क्लियर है, एकदम सिंपल है दोस्तों, इसको तो हम आसानी से आप सब बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एकदम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, यहां तक हो गया क्लियर। इतना लिखने के बाद में आपको एक करना होगा कि परिमेय के रूप में लिख देना होगा, परिमेय के रूप में लिखने के बाद प्लस है तो प्लस को हम इधर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी परिमेय बनाना है इसको, रूट सेवन तो रूट सेवन के बराबर किधर है इधर है। फिर करना है क्या कि देखिए तो यहाँ पर क्या है, परिमेय संख्या के रूप में है ना, तीन है तो तीन एक बटन में छुपा हुआ रहता है सबका एक, तो इसको चलिए यही कर देते हैं क्योंकि माइनस में है, अगर गुना रहता तब गुना होता है, ये नहीं कि गुना कर दीजिएगा, माइनस में तो अलग ही रहेगा। तो पी बटा क्यू के रूप में एक क्या है परिमेय संख्या, पी बटा क्यू माइनस थ्री एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट सेवन एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए क्या परिमेय के बराबर नहीं है अपरिमेय, परिमेय के बराबर नहीं है अपरिमेय, इसीलिए थ्री प्लस रूट सेवन एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। ये भी आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, चलिए एक बार फिर मैं आप लोग को समझा देता हूँ किस तरह से करना है। सिद्ध करें कि थ्री प्लस रूट सेवन एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, यह तो आप लोग क्लियर होगा दोस्तों। देखिए माना कि थ्री प्लस रूट सेवन एक यहाँ अपरिमेय क्या कहते हैं, मानना होगा परिमेय संख्या है। पी बटा क्यू बराबर यहाँ जो माने हैं ना उसको लिख दिए, जहां पी क्यू क्या है पूर्णांक है, जहां पी क्यू क्या है पूर्णांक है। फिर कहता है जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका नहीं होता है, एवं क्यू के बराबर है जीरो।
पी बटा क्यू परिमेय, ठीक है परिमेय माने है ना, तो परिमेय पी बटा क्यू किन इसको है जो संख्या हमको सिद्ध करना है वो लिख दिए। तो देखिए तो ये क्या है प्लस में है तीन, तो इधर लेकर आएंगे तो बराबर की साइड लेकर आएंगे तो क्या होगा माइनस में, ये अपना ही घर में रह गया, ये दूसरा वाला घर में इधर लेकर आएंगे तो इसमें हो गया, ठीक है बराबर इधर कर दिया तो सेवन है, तो सेवन रूट रूट सेवन, तो रूट सेवन उधर रहने देंगे अपना घर में, ठीक है ना। यानी एक जाति को एक तरफ करेंगे और जो विजाति यानी जो दूसरा जाति का उसको एक तरफ कर देंगे, ठीक है। तो p बटा q जहां p बटा q माइनस थ्री एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट सेवन एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्या है रूट सेवन एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए परिमेय के बराबर नहीं है अपरिमेय, इसीलिए थ्री प्लस रूट सेवन एक अपरिमेय संख्या होगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको भी समझ गए होंगे, तो घर से बनाने के लिए लिख लीजिए दोस्तों, आप लोग घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, यानी प्रैक्टिस यहाँ पे हम आप लोग को दे देते हैं, कितना दे दें 5 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 2 3 प्लस रूट 3 4 प्लस रूट 7 9 प्लस रूट 5। तो दोस्तों आप लोग इसको क्या करके आइएगा घर पे सीख कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए दोस्तों आप लोग को बनाने के लिए हमेशा मैं दूंगा, उसको आपको क्या करना है सिर्फ हमें हम बता सकते हैं, आप लोग का काम तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए आप लोग घर पे बैठकर इसे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, वीडियो देखने के बाद सटले ही इसको प्रैक्टिस कीजिए और कॉमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है आप लोग के लिए लाभदायक वीडियो है तो कॉमेंट कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए दोस्तों, सिर्फ एक लाइक और एक शेयर में आपको कुछ नहीं जाने वाला दोस्तों, सिर्फ हम आप लोग के लिए जब इतना कर रहे हैं तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मैं और फिर बताता हूँ आपका प्रश्न, चलिए दोस्तों प्लस वाला भी बता दिया हूँ, तो एक चीज और देख लीजिए कि प्लस और गुना दोनों रहेगा नहीं गुना में भी रहेगा, इसको देख लीजिए कैसे करना है इसको। थ्री प्लस टू रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि थ्री प्लस टू रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम लोग बहुत आसानी से एकदम सिंपल तरीके से इसको हल करेंगे, मतलब मिनटों में हम कर लीजिएगा दोस्तों, फटाफट फटाफट हम कह रहे हैं कि बना लीजिएगा, कहीं पर भी कोई देगा तो दोस्तों मिस नहीं कीजिए क्लास, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए माना कि सब नहीं लिखना है, करना कुछ नहीं है, हम लिख देते हैं डायरेक्ट, दोस्तों डिफिनेशन सबका एक रहेगा, कुछ करना नहीं है, बस इतना जहां जो मान लीजिए कि यहाँ पे जितना दिया रहेगा वो खाली यहाँ पे ही चेंज करना है, यहाँ पे ही चेंज करना और बाकी नीचे भी मानना है इसी तरीके से। तो यहाँ पे हम करना क्या है, माना कि थ्री प्लस टू रूट फाइव एक परिमेय संख्या है, यहाँ अपरिमेय है तो परिमेय विलोम मानना पड़ेगा नहीं उल्टा, ठीक है। पी बटा क्यू बराबर थ्री प्लस टू रूट फाइव, जहाँ पी क्यू क्या है पूर्णांक है जिसका कोई माइनस गुणनखंड नहीं होता है, एवं क्यू के बराबर नहीं है जीरो, ठीक है ना, क्यू के बराबर नहीं है जीरो। अब हमको क्या करना है परिमेय संख्या माना है ना, तो p बटा q बराबर 3 प्लस 2 रूट 5 लिख दिए। फिर हमको देखिए तो e वाला जो है से इधर ले लाएंगे ना, बराबर की साइड लाएंगे, यानी एक जाति का है, तो एक जाति के लिए नहीं था, p बटा q बराबर सॉरी माइनस 3 बराबर 2 रूट 5, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, p इतना बराबर
नहीं कीजिएगा दोस्तों बराबर। यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या करना है, से बहुत सिंपल है। यहाँ पे समझ गए तो सारा के सारा चीज समझ गए, आप लोग को सब चीज क्लियर करवा दिया हूँ दोस्तों। बस खाली यहाँ पे समझना है, करना क्या है, देखिए मान लिए यहाँ परिमेय माने है ना, तो परिमेय लिख दिए, जो यहाँ पर संख्या है वो यहाँ पे उतार दिए। अब देखिए तो p बटा q अपना घर में है और ये थ्री के इसके इसके साथ लगे हैं, एक जात का हो गया, तो इसका एक छिपा हुआ है ना, तो एक जात का हो गया, तो इसमें ले आएंगे तो ये हो जाएगा p बटा q माइनस थ्री बराबर टू रूट फाइव, इधर हो गया। अब देखिए तो इसको हम इंटू में कर देते हैं, यानी इंटू में इधर क्या है गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या में होगा भाग में, तो भाग की उल्टी क्या होता है गुना, तो भाग की उल्टी गुना होता है तो क्या हो जाएगा एक बटा टू हो जाएगा, एक बटा टू हो जाएगा ना, जिस तरह से हम बताया था जैसे इसको टू आ गया तो टू के एक बटा हो गया, इतना गुने एक बटा टू कर सकते हैं, हम क्लियर है यहाँ तक बराबर। अकेले क्या बच गया रूट फाइव, रूट फाइव अकेले बच गया ना। अब इसको देखिए दोस्तों कि यहाँ पे आप लोग को कुछ नहीं करना है, इसको बस गुना कर देना है, तो देखिए तो पी में एक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा पी, और टू से क्यू में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा टू क्यू माइनस थ्री में वन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा थ्री, और इसका एक है तो एक में यानी टू से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा टू। यहां तक तो क्लियर है, हमको हम आशा करते हैं कि यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम आपको समझाएंगे फिर से, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो समझ गए कि गुना कैसे किए, अंश वाला को अंश वाला के साथ किए, हर वाला को हर वाला के साथ किए, बराबर यहाँ क्या चीज है टू रूट सॉरी रूट फाइव, क्या है रूट फाइव बराबर की सेट हो गया। अब देखिए यहां पे हमें समझना है कि यहां तक जब क्लियर हो गया तो अब यहां पर हम लोग क्या करना है, जहां यहां लिखना होगा जहां p बटा टू क्यू माइनस थ्री बटा टू एक क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है ना, ये संख्या है, संख्या है p बटा क्यू के रूप में है ना, देखिए तो p बटा क्यू है ना, तो ये क्या हो गया परिमेय संख्या, लेकिन 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 रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, इसीलिए परिमेय के बराबर नहीं है अपरिमेय, इसीलिए थ्री प्लस टू रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। हम आशा करते हैं दोस्तों कि इसको भी आप समझ गए होंगे, कुछ तो करना नहीं है, सब वही तो करना है, सिर्फ हमको यहाँ पे समझना है कि किस तरह से किस भाव में हमको एक क्वेश्चन कहता है, उसी के अनुसार आपको बनाना है, लिखना आप लोग का इतना होगा, ठीक है ना, यहाँ तक लिख देना होगा। अब मेन पॉइंट है कि यहाँ से हमको समझना है, यहाँ से समझने के बाद में और यहाँ पे समझ के खाली लिख देना है और बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए हम फिर से समझाते हैं, पी बटा क्यू और थ्री, तो थ्री जैसे मान लिया जाए कि एक जब लड़का है तो लड़का के लड़के के साथ रखिएगा ना, लड़के के साथ तो नहीं भेजिएगा, तो वही है एक जात का है, तो एक जात का पी बटा क्यू माइनस थ्री ये अपना घर में आ गया यानी अपना जात में आ गया और ई इसको भेज दिए। अब देखिए तो टू टू भी है ना, तो टू के हम इधर करेंगे तो भाग उल्टी क्या होता है, इधर भाग में आ जाएगा तो भाग उल्टी क्या होता है गुना, तो एक बटा टू कर सकते हैं, एक बटा टू कर दिए, तो देखिए तो पी में जब पी में वन से गुना किए तो यानी वन आ गया, और थ्री में वन से गुना किए तो वन आ गया, और टू में हर से गुना किए तो टू क्यू आ गया, और यहाँ पे बट्टा एक है यानी हर क्या है एक है क्योंकि छिपा रहता है एक, तो यहाँ टू हो गया, तो इतना हो गया ना p बटा टू क्यू माइनस थ्री बटा टू बराबर रूट फाइव, जहां p बटा टू क्यू माइनस थ्री बटा टू एक परिमेय संख्या है, लेकिन लेकिन रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए परिमेय के बराबर नहीं है अपरिमेय, इसीलिए थ्री प्लस टू रूट फाइव एक कैसा संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों इससे दो नंबर का भी प्रश्न आता है और ऑब्जेक्टिव भी बहुत आएंगे, अगर ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग को मस्ट करना है तो मैं एक वीडियो बना रहा हूं जो पार्ट वन में होगा, पार्ट टू और पार्ट थ्री, ठीक है ना, तो इस सब वीडियो को आप सब देख लीजिए, वहां से आप लोग को बहुत सारा ऑब्जेक्टिव उस डिफिनेशन से मिल जाएगा, क्योंकि डिफिनेशन में ही ऑब्जेक्टिव बहुत सारा सीखा जाता है, लेकिन लोग डिफिनेशन को छोड़ देते हैं, लेकिन मैथ जो है थ्योरी और डिफिनेशन
यही दो चीज पे मैथ बनता है, यानी सूत्र पर और डिफिनेशन अगर याद है तो उससे ऑब्जेक्टिव बहुत मस्त हो जाएगा, और आपका अगर सूत्र याद है तो उससे आप कोई भी प्रश्न को यानी समझ गए हैं प्रश्न को तो उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि ये भी प्रश्न आप समझ गए होंगे। अब मैं एक दो प्रश्न और बच रहा हूँ उसको मैं बता देता हूँ, देख लीजिए, और इसको बनाकर भी लाना है। मैं दे देता हूँ एक दो प्रश्न बनाने के लिए, जैसे लिख लीजिए यहाँ पर जी, बनाने के लिए 2 + 5 √7, 4 + 3 √2, 5 + 4 √3। चलिए दोस्तों ये तीन प्रश्न हैं, ये तीन प्रश्न जो है से घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आप सबका अभ्यास होगा दोस्तों। बार बार मैं आप सबके इस पर जोड़ रहा हूँ, इसे मजाक में नहीं लीजिए दोस्तों। ये कभी कभी हल्का चीज भी कभी कभी इतना भारी हो जाता है कि कहा नहीं जा सकता। इसलिए कोई भी अगर प्रश्न हो और आपको अभी 10th क्लास में है तो कोई चीज का भी हल्का मत लीजिए, उसको कॉल कीजिए और ध्यान से देखिए कि क्या चीज हमको कह रहा है। हल्का से हल्का प्रश्न भी जब कभी जब समय आता है ना तो साथ छोड़ देता है, इसलिए हल्का मत नहीं लीजिए दोस्तों, बहुत भारी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों फिर आपका नया प्रश्न आया है, तो यहाँ पे हमें देखना है क्या करना है कि माइनस में कहता है 5 - √3, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या। सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी 5 - √3, ठीक है। तो दोस्तों हमें तो कुछ नहीं करना है, ए इतना लिख लेना है, ठीक है, इतना लिखा गया, हमको यहाँ चेंज करना है, यहाँ चेंज करना है, बाकी सब तो इसे आप लोग कॉपी पर कर लीजिए क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। इसको हम मिटा देते हैं और इसको मिटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम मिटा देते हैं इतना, ठीक है, जहां बनाना है वहां पे और ए यहां पे, ठीक है। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं वीडियो। तो चलिए दोस्तों यहां पर हमको क्या करना है, माना कि 5 है ना, तो 5 - √3, ठीक है, यहां लिख दिए एक परिमेय संख्या है, जहां पे की एक पूर्णांक है, फिर ये वाला लिख देंगे √3। अब देखिए तो हम परिमेय माने हैं ना, तो p / q के रूप में होता है, बराबर 5 - √3 हो जाएगा। तो देखिए तो हम क्या करते हैं, ये रूट वाला जो माइनस में है इसको प्लस में कर देते हैं, इधर आके क्या हो जाएगा, √3 प्लस में हो गया, √3 प्लस में हो गया, 5 को अपना घर में छोड़ दिए, p / q के हम इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, p / q हो गया। अब हमको कुछ नहीं करना है यहाँ पे दोस्तों, कुछ नहीं, एकदम सिंपल तरीका है दोस्तों, बहुत आसान तरीके से मैं आप सबको बता रहा हूँ। अगर आप सब इस प्रश्न को नहीं समझे तो आप सब कुछ नहीं समझे। यहाँ पे लिखना है हम लोग के जहां √3 एक, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, तो यहां पे हम लिख देते हैं जहां √3 एक परिमेय था ना, तो यहां पर हम कर देंगे क्या, अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्या करेंगे दोस्तों, लेकिन हम लोग यहां पे करना है 5 - p/q एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर भी आपको हम लोग प्रार्थना पड़ेगा, यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ परिमेय है तो अपरिमेय के बराबर नहीं है का चीज, परिमेय, तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा जो हम लाए हैं कितना 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए हैं। यहाँ पे आप क्लास स्टॉप करता हूँ, तो एक बार मैं इसको समझा देता हूँ दोस्तों, ठीक है ना, और बनाने के लिए भी देता हूँ। माना कि सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, p/q परिमेय संख्या होता है, ठीक है, p/q के रूप में लिख दिए, जहां p/q क्या है, एक पूर्णांक है जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, एवं q के बराबर है 0, इसको यहाँ कर दिए 5 - √3 में रूट में, तो इधर प्लस में कर दिए, 5 को अपने घर में छोड़ दिए, p/q इधर ले तो माइनस में हो गया, जहां √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है,
लेकिन 5 माइनस एन पी बटा क्यू क्या है, परिमेय संख्या है, इसीलिए अपरिमेय के बराबर नहीं है परिमेय, इसीलिए 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो हम आशा करते हैं कि इसको भी समझ गए होंगे। एक प्रश्न जो हम आप लोग को दे रहे हैं वो बना करके लाइएगा, 4 माइनस रूट फाइव, 3 माइनस रूट टू, 7 माइनस रूट सेवन, ठीक है ना। ये तीन प्रश्न है, घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। आप क्लास को मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं 10th क्लास 2022 के एग्जाम के लिए तैयारी के लिए ऐसा ऐसा प्रश्न बहुत लाऊंगा जो आप सबको काफी हेल्प मिलेगा दोस्तों। तो थैंक यू।